ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम निफ्टी के टारगेट के बारे में बात करेंगे। निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और जो रेजिस्टेंस था निफ्टी का उससे एक ब्रेकआउट भी निफ्टी दे चुका है, तो इसके बाद निफ्टी कहां तक जा सकता है सबसे पहला तो हम इसके बारे में बात करेंगे, और वहां तक जो भी टारगेट है वहां तक ये क्यों जा सकता है उस पर क्या लॉजिक है, सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। साथ में इस वीडियो को पूरा देखने से आपको बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में छोटे मोटे मैक्रो इकोनॉमिक चीजों के बारे में भी बात करेंगे। ओके, सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप भी इस वीडियो को एंड तक देखना। ओके गाइस, सो हम निफ्टी के चार्ट में आ चुके हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि निफ्टी का टारगेट 35,000 है, मैंने भी कुछ जगह पे देखा निफ्टी का टारगेट 35,000 लोग बोल रहे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज हम अभी ये बात करेंगे निफ्टी का टारगेट लोग 35,000 क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो क्या देख करके इस चीज को बोल रहे हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि 35,000 का टारगेट क्यों गलत है, वो क्या चीज मिस कर रहे हैं, क्यों 35,000 नहीं पहुंच सकता, इन दोनों पे सबसे पहले बात करते हैं। तो 35,000 क्यों पहुंच सकते हैं अगर इस पे हम बात करें, तो गाइस सबसे पहले हम पीछे जाते हैं और दो क्राइसिस 2008 और 2020 इन दोनों क्राइसिस में देखते हैं कि हमें गेंस कितने मिले थे ब्रेकआउट के बाद, क्राइसिस जब रिकवर हुआ था उसके बाद। तो यहां से क्राइसिस आया था, ये अराउंड फॉल था 37% के आसपास का फॉल था, ये 38% का फॉल, और उसके बाद जब मार्केट रिकवर किया यहां से, तो अगर हम इसको मेजर करें तो ये आता है अराउंड 146% के आसपास, मतलब 147% के आसपास का रिकवर किया था मार्केट उसके पीछे। और अगर हम पीछे जाएं तो ये है 2008 क्राइसिस, तो 2008 क्राइसिस में अगर हम फॉल की बात करें तो फॉल आया था अराउंड 65% के आसपास, और अगर हम यहां से मार्केट रिकवर किया उस चीज की बात करें तो अराउंड इस जगह से अगर हम रिकवर देखें, रिकवर यहां तक रिकवर किया है, तो इस जगह से अगर हम इस जगह तक मेजर करते हैं ये आता है अराउंड 175% के आसपास, और अगर आप इस जगह से लेते हो तो ये आता है अराउंड 150% के आसपास। तो दोनों अगर आप मिलाओगे अराउंड 150% आ रहा है। ओके, सो अब हम चार्ट पे चलते हैं, अभी करंट जहां पे चार्ट है उस जगह पे चलते हैं। ओके, सो अब हम वहां आ चुके हैं जहां पे अभी मार्केट है, और अगर हम सबसे पहले यहां का फॉल देख ले, कुछ इस जगह से यहां तक का हमारा फॉल आया था अराउंड 17-18% तक, और उसके बाद अगर हम रिकवर देखें, दो बार मार्केट रिकवर किया था 2020 में और 2008 में, दोनों बार अराउंड 150% था। तो यहां से अगर हम 150% देखते हैं तो वो होता है अराउंड कुछ इस जगह पे आता है 150%। ओके, और अगर हम इस जगह को देखें ये आता है अराउंड 37,000 के आसपास, 37,000-38,000, तो इसीलिए अराउंड 35,000 के आसपास का टारगेट दिया जा रहा है इस चीज को देख करके कि दो बार मार्केट नीचे गिरा था उसके बाद जो रिकवर किया दोनों बार अराउंड 150% के आसपास था, और अगर यहां से 150% गेन मिलेगा तो हमारा अराउंड 37,000-38,000 के आसपास पहुंच जाएगा, इसीलिए आपको 35,000 राउंड फिगर में बोला जा रहा था। ओके, सो होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि 35,000 के टारगेट के बारे में क्यों बात किया जा रहा है। अब हम ये समझेंगे 35,000 का टारगेट क्यों नहीं पहुंच सकता अभी तक, तो इसके पहले आपको दो इकोनॉमिक टर्म समझना होगा, जिसमें सबसे पहला टर्म है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब हम सबको पता है महंगाई, चीजों के दाम बढ़ते हैं उस चीज को इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके, सो सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड जो हमारा टर्म है वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है ये वो इंटरेस्ट रेट नहीं है जो कार लोन पे हमें देना होता है, होम लोन पे, पर्सनल लोन पे, या ईएमआई का इंटरेस्ट रेट, ये वो इंटरेस्ट रेट नहीं है। ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है, ये मदर ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट है जिसको फेड के द्वारा डिसाइड किया जाता है, और इस इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर ही बाकी जो होम लोन और कार लोन का इंटरेस्ट रेट होता है वो सब डिसाइड होता है। ओके, और ये इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। अब ये इंटरेस्ट रेट क्या है, गवर्नमेंट जो पैसे प्रिंट करती है, जो पैसे गवर्नमेंट बोरो करती है उस पे जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना होता है ये वो इंटरेस्ट रेट है, और ये इंटरेस्ट रेट काफी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, अगर ये इंटरेस्ट रेट जीरो होता है, अब जीरो कैसे हो सकता है, क्यों होता है, सबके बारे में हम बात करेंगे। अगर ये जीरो होता है इसका मतलब गवर्नमेंट इन्फिनिट मनी प्रिंट कर सकती है या इन्फिनिट मनी बोरो कर सकती है, और अगर ये इंटरेस्ट रेट 4% या 5% होता है तो 5% इंटरेस्ट देना होता है। अगर 0% होता है तो इन्फिनिट मनी प्रिंट हो सकता है, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ काफी जल्दी हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि पैसे को जो प्रिंट हम कर सके वो इन्फिनिट प्रिंट कर सके, और इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट भी जीरो चाहती है। ओके, अब ये 0% इंटरेस्ट रेट जो है ये 2008 के पहले नहीं था, लेकिन 2000 के बाद ये काफी रेलेवेंट हो चुका है। मैं आपको ग्राफ में सबसे पहले ये दिखाता हूं ताकि आपको ये और क्लियर हो सके। ओके, सो आप इस चार्ट में देखो, फेड के द्वारा रेट इशू किया जाता है 1994 से जो लिस्ट हमारे पास है,
सबसे पहली बार जैसे मैंने आपको कहा 2008 में 0% इंटरेस्ट रेट आया और 2020 में भी 0% था। 2008 से 2015 के आसपास तक ये रहा और 2020 से 2022 के स्टार्टिंग तक ये 0% रहा और बाकी टाइम पे ये आप देख सकते हो 3% 2% के बीच में ये रहा। ओके सो अब गाइज अगर हम देखें पहला रिसेशन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, जिन दोनों के बारे में हमने बात करा है। इस टाइम पे आप देखो 0% इंटरेस्ट रेट था और इसी टाइम पे 150% रिटर्न आया। इस टाइम पे भी 0% इंटरेस्ट रेट था और इस टाइम पे भी 150% मार्केट रिकवर किया। क्यों रिकवर किया? इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, मतलब गवर्नमेंट जो है स्टॉक मार्केट को ऊपर लाती है। क्योंकि ऐसा क्यों? तो गाइस यहाँ पे देखो 0% इंटरेस्ट रेट मतलब इन्फिनिटी मनी वो प्रिंट कर सकती है और जब इन्फिनाइट मनी वो प्रिंट कर सकती है तो इस पैसे को वो स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट और जितने तरह के होते हैं उन सब में इन्वेस्ट करती है ताकि वो सब ऊपर आ सके। तो इसी वजह से आप देखो 150% रिटर्न आया था 2008 में भी 20 में भी। लेकिन अगर अभी आप देखोगे 2022 में जो हमारा एक तरह का डाउन मार्केट चल रहा है उस टाइम पे 1.75 अगर आप करंट देखोगे अराउंड इस जगह पे 2% या 3% के आसपास है। तो अभी 2% या 3% के पास ये है, अगर 0% पे होता तो एकदम आप बेफिक्र होकर के बोल सकते हो, मतलब आप कह सकते हो कि 150% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये अभी 1.75 या 2% के आसपास है तो ये चीज नहीं होने वाला, क्योंकि अगर अभी गवर्नमेंट मनी प्रिंट करेगी तो 2% उसको इंटरेस्ट लगने वाला है गवर्नमेंट को, इसलिए गवर्नमेंट इन्फिनाइट मनी प्रिंट नहीं कर सकती। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि स्टॉक मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, अगर 35% का टारगेट नहीं मिलेगा तो कहाँ तक मिलेगा? तो इसको जानने के लिए हमें एक और चार्ट में जाना होगा। तो अगला चार्ट हमारा इन्फ्लेशन पे है, मैं इसे थोड़ा सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके सो यहाँ पे 2020 जनवरी 2020 से 2022 अक्टूबर मंथ का हमारा जो है इन्फ्लेशन का चार्ट है, यूनाइटेड स्टेट का, ये इंडिया का नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स का है। ओके सो गाइस यूनाइटेड स्टेट्स में या इंडिया में इन्फ्लेशन अभी हाई पे है, आप सबको पता है। तो गाइस अगर आप इस चार्ट को देखोगे मई 2020 में ये अराउंड जीरो के आसपास, मतलब पॉइंट कुछ परसेंट होगा, 1% के आसपास था और इसी वजह से इस टाइम पे मैंने आपको दिखाया इंटरेस्ट रेट 0% था। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट को मौका मिलता है तो वो इंटरेस्ट रेट जीरो कर देती है, क्योंकि इन्फिनिट मनी होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ काफी जल्दी होता है। ओके मैंने ये बताया भी था आपको। अब गाइस इस जगह पे देखो अराउंड इन्फ्लेशन रेट का जो फेवरेबल कंडीशन होता है, मतलब फेवरेबल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो होता है 2% के आसपास, 2 से 3% तक। तो इस जगह पे देखो 2% 3% के नीचे है, 1.4% 1.7% है, इसीलिए इस पूरे जगह में आपको 0% मिला था। उसके बाद इस जगह पे भी ये ठीक तक था लेकिन इसके बाद ये 4% चल गया और यहां से ही हमारा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे आप देखो इन्फ्लेशन रेट 9.1%, उसके बाद 8.2, उसके बाद यहाँ पे आप देखो धीरे धीरे 7.7 घट रहा है। और मैंने आपको वीडियो के बीच में कहा था कि अगर इन्फ्लेशन घटेगा थोड़े देर बाद या थोड़े महीने बाद, इसका मतलब ये नहीं कि अगले महीने ही, थोड़े महीने के बाद इन्फ्लेशन रेट के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी नीचे आने लगेगा और जैसे ये 2% के आसपास तक पहुंच जाएगा अपने आप इंटरेस्ट रेट 0% के आसपास पहुंच जाएगा। अब जैसे ही 0% इंटरेस्ट रेट हुआ गवर्नमेंट फिर से इन्फिनिट मनी प्रिंटिंग स्टार्ट कर देगी और अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने मिलेगा। ओके ये तो गई आगे की बात। अब गाइस अगर हम बात करें ये यहां तक कब तक आएगा, तो आपको नहीं पता, आपको शायद पता भी हो, गवर्नमेंट काफी ज्यादा कोशिश कर रही है इसको यहां तक लाने के लिए, इसलिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रही है जो मैंने आपको पिछले चार्ट में दिखाया। तो काफी जल्दी यहां से यहां तक आ जाएगा, हो सकता है 8 महीने 10 महीने या 1 साल लग जाए लेकिन ये यहां तक आएगा, उसके बाद हमें 0% इंटरेस्ट रेट फिर से देखने मिलेगा। तो अभी फिलहाल 2023 में शायद ही हमें 0% इंटरेस्ट रेट देखने मिले। तो 2023 तक या फिर कह लो 2023 में स्टॉक मार्केट में निफ्टी भले ही 35,000 टारगेट तक ना पहुंचे लेकिन वो ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो ऑटोमेटिक जब इन्फ्लेशन कम होता है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, इसी वजह से ऑटोमेटिक ये ऊपर जाएगा। तो 35,000 तक नहीं जाएगा और ये ऊपर भी जाएगा तो कहां तक जाएगा? अब बात करते हैं टारगेट के बारे में, तो मैं इसे भी क्लियर कर लेता हूं। ओके तो ये चीजें हमें मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल गई, मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं क्या चीजें हमें पता चली। सबसे पहला 35,000 तक ये नहीं पहुंचेगा निफ्टी, और दूसरी चीज कि ये ऊपर जाएगा निफ्टी यहां से 2023 में। ओके सो अब टारगेट क्या है ये हमें पता चलेगा टेक्निकल से। तो टेक्निकल में अगर हम जाते हैं
सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके सो अगर मैं यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाऊं, ये पहला शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर, ये हेड, और इसके बाद ये एक शोल्डर, और यहां से हमें ब्रेकआउट मिलेगा, और ब्रेकआउट के बाद ये कहां तक जाएगा टारगेट हमें मेजर करने के लिए, इस हाइट को हमें मेजर करना होता है, तो हम इस हाइट को मेजर कर लेते हैं यहां से यहां तक, एक सेकेंड, यहां तक, और इसके बाद हम इसी को और ऊपर लगा देंगे। मैं ड्राइंग्स क्लियर कर लेता हूं सबसे पहले, तो इसको हम यहां से यहां पे लगाएंगे, और इसके बाद अगर हम टारगेट देखें, आप देखो अराउंड टारगेट हमारा आ रहा है 25,500 के आसपास, मतलब 22,000-21,000 के आसपास। तो आप 21,500 टारगेट ले सकते हो निफ्टी का, और ये यहां तक पहुंच सकता है, काफी ज्यादा चांसेस इसके, हो सकता है ये ऊपर भी चला जाए 21,000 के जगह, हो सकता है ये 35,000 भी पहुंच जाए, लेकिन 35,000 के चांस तो ना के बराबर है, हो सकता है ये 21,500 से 22,000 या 23,000 तक पहुंच जाए मुश्किल से मुश्किल। तो अराउंड टारगेट हमारा अबाउट में अगर हम एवरेज बात करें तो 21,500 ही है। ओके गाइस, सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक टर्म के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा बहुत सारे क्रिएटर्स का, आप जा करके देख सकते हो, बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए इतना ही काफ़ी है। तो गाइस मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, और अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो वीडियो को तो वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, आपको अच्छा रिलेटेबल लगेगा वीडियो कि कैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और कंट्री का ग्रोथ, स्टॉक मार्केट में जो ग्रोथ हमें मिलता है वो कैसे रिलेटेबल है, आपको सब समझ में आएगा। तो आज का वीडियो यही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।